नीचे आता भाई नीचे 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 आ जाओ बाल को ऊपर नीचे आओ छत पे कोई नहीं नीचे आ जाओ ये बोलती है इसमें इससे आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अरे ये टॉयलेट कर लेते हैं ये सब इसमें जगह नहीं अगर ये काट ले तो कोई नहीं भी जाने की जरूरत है इसमें जगह नहीं होती जहर ना होती जैसे आदमी लोहे से ना लगाते हो टेटनस को इंजेक्शन लगाते हैं वहां लगवाओ कोई जहर ना है अंडा कौन कौन ने रख रखे हैं अपने अपने घर में अंडा अंडा डालने में ये डालने में जैसे कूड़ा करकट है साफ सफाई रखो घरों में एक बुलाक गड़ी में भी कई कौन मर गए हैं बापिटा जो खत्म हुआ वो महिला खत्म कर ले वो टंकी के नीचे ईंट रख ले तो कभी भी बक्सा है टंकी है इनके नीचे जो ईंट लगा ले हो ना तुम ये ईंट लगानी बंद करो एक तो हाँ नीचे सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सांप ना आए तो चूहे नहीं आने चाहिए चूहों का पीछा करते करते ही सांप घर में घुस जाते हैं समझ गए और अगर गलती से सांप काट ले किसी को तो झाड़ भूख में ना फंसे ये जो ताई खत्म भई है ये झाड़ भूख के चक्कर में खत्म भई है अगर वो दो ढाई घंटा झाड़ भूख ना करते तो वो जिंदा होती आज अब देखो ये सांप है देख रहे हो ये जो सांप है ये सब बिना जहर वाले सांप और दांत तो खा रहे होंगे इनके जब जहरी ना दांत क्या उखाड़ेंगे भाई दांत क्या उखाड़ेंगे जो जहरी ना इनमें तो एक तो यहाँ कांचरी में है सब कांचरी में कब लोग पैर रखे इनमें ये इतने जो इलाज कर रहे हैं भाई की रहे सफे रहे हैं वो उन्हीं दांतों का इलाज कर रहे हैं जिनमें जहर है ही नहीं बिल्कुल जिनमें जहर है नहीं जैसे ये घोड़ा पछाड़ है और भी पानी के सांप है और बहुत सारे सांप है ये सब झाड़ फूक वाले इन्हीं सांपों का इलाज कर रहे हैं जिनमें किसी इलाज की आवश्यकता ही नहीं है तो हमारा कहना ये है कि अगर गलती से किसी को सांप काट ले तो सीधे मेडिकल जाए झाड़ फूक के चक्कर में ना फंसे अगर बिना जहर वाले ने काटे होंगे तो घंटा दो घंटा में वहां से छुट्टी हो जाएगी और जहरीले ने काटे होंगे तो कम से कम जान तो बचेगी इन झाड़ फूक वालों के पास कोई इलाज नहीं है ये बेवकूफ बना रहे हैं अभी अगर वो दो ढाई घंटा झाड़ फूक ना करते उनकी ताई के संग तो वो जिंदा होती है बाद में लेके चले मेडिकल निकलता है जो भी है गलत हुआ मेडिकल तो भाई इसी चक्कर में तुम दोबारा आए इस गांव में लौट गए ठीक है ना कभी भी अगर सांप गलती से काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर में ना फंसे सीधे मेडिकल जाए झाड़ फूक वालों के पास कोई इलाज नहीं है अब ये बिना जहर वाला सांप है भाई सब लोगों को तो यही पता है कि थोड़ा बहुत जहर तो सब सांप में हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है 90% सांप बिना जहर वाले हैं समझ रहे हो 90% सांप बिना जहर वाले हैं आपके क्षेत्र में केवल दो ही सांप जहरीले हैं स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करैत एक तो फन वाला सांप और एक काले रंग का सांप है जिसपे ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं जो ये रहा ये जहरीला सांप है ये दोनों भयंकर जहरीले सांप है ये दोनों हाँ ये दोनों भयंकर जहरीले सांप है ये कॉमन कर रहते हैं जो बाप बेटा खत्म हुए थे बुलाक गढ़ी में वो यही सांप है कॉमन कर रहे तो ये जो है सांप जो है घरों के आसपास ही ज्यादा रहता है ये जो जहरीला सांप है ये घरों के आसपास आप लोग ईंट धारोड़ा इकट्ठा जो कर लेते हो कंडा इकट्ठा कर लेते हो गंदगी कूड़ा लकड़ी रख रखी है कुछ रख रखा है उसमें जो है ये अपना भाई सांप तो जो है हर जगह है जहाँ आदमी वहां सांप
लेकिन सांप आते हैं आपके घरों में चूहा खा कर निकल जाते हैं, और जहां उन्हें अड्डा बनाने की जगह मिल जाएगी, जहां उन्हें छिपने की जगह मिल जाएगी, वहीं रह लेंगे। और गलती से आदमी सो रहा है और वहीं चढ़ने की जगह है, वहीं चूहा को घूम रहे हैं, तो कभी कभार घटना हो जाती है। रोज तो घटना होना नहीं। तो लोग कहते हैं कि दामन की पूछ में जो है डंक होता है, दुनिया भर की अफवाह है, कोई डंक नहीं होता, किसी साहब की पूछ में कोई डंक नहीं होता। बहुत सारी अफवाह है ना कि पूछ से डंक मार देती है और वैसा वैसा, कोई डंक नहीं है, कोई डंक वंक नहीं होता है, किसी साहब की पूछ में कोई डंक नहीं होता है। नॉर्मली सभी साहब की पूछ ऐसी होती है, ठीक है। हाँ पूरे तगड़े हैं। इसकी लंबाई हमारे यहाँ करीब 9-9.5 फुट तक हो जाती है, 3.5 मीटर तक लंबा हो जाता है साहब हमारे यहाँ, 3.5 मीटर। और सबसे ज्यादा यही मिलता है दामन घोड़ा पिछाड़ी को। तो अगर ये सांप अगर किसी घर में घुस जाए गलती से, चूहे रहेंगे तो सांप भी आएंगे। सबसे बड़ी बात है चूहे और गंदगी, गंदगी रखोगे तो सांप आते रहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घरों में कंडा वंडा मत रखो, कंडा जैसे ईंट रखनी है। अभी तो मजबूरी है, चलो मकान बन रहा है, लेकिन कंडा वंडा जो घर में रख लेते हैं तो उनमें आराम से घूमते रहते हैं। और काट रहे हो काट लेगा, पर ये जहरीला नहीं है भाई, काट रहे हो तो काट ही लेगा, पर ये जहरीला नहीं है, काट लेगा काट लेंगे, पर जहरीले साफ है तो सावधानी से पकड़ेंगे। अभी बताओ फिर से, कितना सुंदर कितना प्यारा था। वाकई आ रहा होगा, हाँ धन देगा ना, आजकल बिसकपरिया बहुत निकल रही है आपके क्षेत्र में, बिसकपरिया बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, बिसकपरिया बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, बिसकपरिया के बारे में तो बहुत कम अफवाह है। सावधानी से, अभी यह बिसक परिया देख रहे हो, कहाँ काट रही हो, केवल ये पंजे मार देते हैं, छोटी है ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, इसकी लार में बैक्टीरिया होता है, अगर ये काट ले तो बुखार आ सकता है, हैजा जैसी शिकायत हो सकती है थोड़ी बहुत, अगर ये पहले तो ये काटती नहीं है, पहले तो ये काटती नहीं है, और गलती से अगर काट ले मुझे तो लगता नहीं है, मैंने तो आज तक अपनी में कोई केस सुनाना है कि कोई काटा हुआ है, सब फर्जी कहानी है, सब कहानी सब में दवाई संसार में काटी है, कोई ना काटा अगर ये काट ले गलती से। अगर गलती से काट ले तो साबुन से धोके टिकने वगैरह वालों
इस गिलार में बैक्टीरिया होता है, तो ये गला सलाम की ये खाती है गला सलाम, इस गिलार में होता है बैक्टीरिया, अगर ये काट ले तो खून वगैरह निकल आए तो इन्फेक्शन का खतरा होता है, बाहर आ सकता है या शिकायत हो सकती है, लेकिन आदमी मरने शकप्रिया के बारे में और किसी को कुछ पूछना है? ये सब फर्जी बातें हैं, जितनी भी आपने आज तक कहानी सुनी है सब फर्जी है, जितनी भी आज तक कहानी सुनी है आपने विषक्रिया के बारे में, सांपों के बारे में, सब फर्जी कहानी है, सब किताबों की कहानी है फर्जी, छूट रहे हैं सुनिए पहले तो घरों में इतनी गंदगी मत रखो, साफ सफाई रखो, काटती तो कट नहीं थी हमें भाई, ये छोड़ो तीन तीन सकती हमने तुम्हें दिखाई, बड़ी छोटी सब, अगर काटती तो काट लेती, अब ये है कि पंजे इसके बड़े नुकीले होते हैं तो इसलिए सावधानी से थोड़ा पकड़ना पड़ता है, नहीं तो ये काटती नहीं, अब बताओ तुम्हें इतनी दूर से कैसे काट ली, जब हम पकड़ रहे हैं तो मैं ना काट रही, तो ये सब कहानी जितनी भी आज तक आपने सुनी है सब फर्जी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो इन जीवों को मारे ना, और बस सावधानी बरतें, घर में अगर सांप घुसाए तो कॉल करें भाई पकड़वाने के लिए कॉल करें, अगर जहरीला घुसाए और बिना जहर वाला है तो आपको हमने दिखाई दिए हैं कि भाई बिना जहर वाले कौन कौन सांप है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और कोई सांप निकले कोबरा हो करे तो फोन कर दो, फोन करो पहले तो भाग जाए, अच्छी बात है मारो फिर आ जाए तुम सांग फिर आ जाओ, इतना बड़ा सांप है दिन में आ जाओ फिर आ जाए, देख रहे हो तो हम कटवाओगे ना तब भी जो है ये काटती नहीं है, देखो जबरदस्ती कटवाओगे ना तब भी ना काटे, कितना प्यारा जीव है ये, इतना सीधा ठीक है, तो इतनी अफवाह इसके बारे में बहुत ज्यादा है, और आदमी देखते ही मार दे, बल्लम लावा को, अंडा लावा को, लाठी लावा को, देख रहे हो काट रही है, जबरदस्ती में कटवा रहा हूँ तब भी नहीं काट रही है, बताओ काट नहीं, काट के दिखा देना एक बार, चालू है घंटा बाद करा दो, कौन करो जड़ी बूटी है, डेढ़ घंटा से तुम्हें समझा रहे थी समझ में ना रही, क्या कोई जड़ी बूटी ना है दादा, कोई जड़ी बूटी ना है, कोई झाड़ फूक का इलाज ना है, अगर जहरीलो सांप हमें भी काट लेगा तो हम भी मेडिकल जाएंगे, दुनिया में कोई जड़ी बूटी का इलाज ना है, रोकेंगे अरे बालक ने पीछे रंग, अरे क्यों कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं हमारी दूसरा, हम तो कटवा के दिखाए बरुआ, एक बार कटवा के दिखा दे अपने, बतावे हम तो कटवा के दिखा रहे हैं, छोरा खाए उनका खेत कर रहे हैं कोई ना काट, और काटे ही ना आए अभी कटवा के, जैसे आदमी डरते मरते हैं, हमें जहरी ना है ना काट, देख रहे हो
हो खोल रहे हम काट भाई देखो काटना ना काटना और कोई जड़ी बूटी ना है। मैं बता रहा हूँ ना, जिन सांपों में जहर है ही नहीं, ये जबरदस्ती की तुम्हें लकड़ियाँ लगा लोगों के उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, कोई जड़ी बूटी ना है। सांप का जहर जो होता है वो जब तक ब्लड में इंजेक्ट नहीं होगा, जो जहरीले सांप है, जहरीले सांप का जब काट लेगा तो जब तक ब्लड में इंजेक्ट ना होगा, देखो देख रहे हो काट लिया कर लिया बस। आपको कोई जड़ी बूटी लगाई हमने, हाँ काट लिया। तो जहरीले सांप का जो है काटा हुआ तुरंत मेडिकल जाए, झाड़ फूक के चक्कर में ना फंसे। और आपको अगर पता ही नहीं है कि जहरीले ने काटा बिना जहर वाले ने, तो भी आप मतलब कोई भी सांप काटे आपको मेडिकल जाना है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं फंसना। क्योंकि झाड़ फूक वाले केवल उन सांपों का इलाज कर रहे हैं जिनमें जहर है, बेटा पीछे चलो बेटा पीछे। सबसे जहरीले सांप है आपकी क्षेत्र पीछे जाओ पीछे। बिछड़ जाओ भाई बिछड़ जाओ। सबसे जहरीला सांप है ये। भारत के चार जहरीले सबसे जहरीले सांप है वो है स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन करैत, रसल स्वाइपर, स्पेक्टिकल वाइपर। इनमें से दो सांप हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो है एक तो ये सांप है और एक फनवाला। फनवाला सभी ने देखा है और ये भी सभी ने देखा है। तो यही दो सांप जहरीले हैं, बाकी और कोई सांप हमारे क्षेत्र में जहरीला है नहीं। देखो ये है रात्रि जर सांप और कमल पकड़ उसको पकड़ के ले जाइए। देखो ये सबसे जहरीला सांप है, ये सबसे जहरीला सांप है और ये थोड़ा गंदा हो रहा है, पूरा ब्लैक होता है, काले रंग का होता है, चमक मारती है इस पर। और लाइन दिख रहे हो, इस पर लाइन दिख रहे हो, लाइन पानी लियो ये, पानी लियो थोड़ा सा, ये लाइन दिख रहे हो, लाइन सफेद सफेद लाइन, पूरे सांप पर सफेद सफेद लाइनें होती है। और सबसे जहरीला सांप है, रात्रि का सांप है और सबसे ज्यादा घटना है भारत में, कम से कम पूरे साल में 50,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं सांप के काटने से, और उनमें से 15,000 से 20,000 लोग इसी सांप के काटने से मारे जाते हैं। पानी ला रहा कोई पानी वाला ना है, गंदा ना कर रहे, गंदा हो रहा है इसलिए दिखा रहे हैं इसका कलर पूरा। नहीं होता इसका फन, केवल कोबरा के होता है। तो ये रात्रि जर सांप है, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। बेड पे चढ़ के रात के अंधेरे में यही काट सकता है बस, कोबरा का पहले अल्टीमेटम देते हैं। हाँ इसमें कोबरा से भी 6-7 गुना ज्यादा जहर होता है। हाँ मतलब तेज कोबरा से भी इसका जो जहर है, ये थोड़ा सा 2 दिन से बंद है ना चक्कर में, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर जो है फीका हो गया है। Thank you.
सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घरों में साफ सफाई रखते हैं, चूहे ना आने दें, सांप अगर गलती से आ जाए तो उसे मारे ना, और अगर गलती से काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर में ना फंसे। लाओ पानी जाओ, हाथ धुलवा दो पानी। ये पानी का सांप है, ये पानी का सांप है, आपके घरों की नालियों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये छोड़ दो, सबसे कटकना सांप है, 7 फुट के आसपास इसकी मैक्सिमम लंबाई होती है, 7 फुट के आसपास हो जाता है। और नालियों में मेंढक खाता हुआ, समझ रहे हो, ये आप और देखो सबसे कटकना सांप है, ये देख रहे हो, देखो देखो सबसे कटकना सांप है ये, देख रहे हो कैसे काटता है। जब भी किसी को काटता है पकड़ लेता है, मांस निकाल लेता है, धान वान के खेतों में भी मिल जाता है ये, ना बिल्कुल जहरीला नहीं है। जानकारी सबको होनी चाहिए, क्या मतलब है।